और भाई दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई चैनल सफ़र विद पॉल। आपको भाई इस समय निकल चुका फिर से एक नई ट्रिप पे। अभी मैं हूँ अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल वन में, और हम जो जर्नी कर रहे हैं आज कर रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस में। 9 बजे की फ्लाइट है और 11:30 हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो बाकी आज मेन फोकस हमारा रहेगा अहमदाबाद एयरपोर्ट को कवर करने का रहेगा। अगर कोई भाई अहमदाबाद एयरपोर्ट से जाता है, पहली बार यात्रा करता है, तो वो पूरा वीडियो जरूर देखे शुरू से लेकर आखिरी तक। उसको पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको प्रोसीड करना हो। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जर्नी प्रोसीड करते हैं। अगर आप यहाँ से ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा जरूर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं अंदर और जर्नी को करते हैं आरंभ। मिलते हैं आपसे जल्दी। टर्मिनल वन में इस टाइम हम लोग, ये डोमेस्टिक डिपार्चर है, यहाँ से विद इन इंडिया ही फ्लाइट मिलती है। बाकी आई थिंक 2 टर्मिनल और भी है, टर्मिनल 2 टर्मिनल 3, वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट मिल जाती है। बाकी चलिए अपनी जर्नी जो है वो टर्मिनल वन से है। तो जैसे अब डिपार्चर के अंदर आते हैं एयरपोर्ट के, तो इस तरह का देख सकते हैं आप जे पॉड स्लीपिंग पॉड मिल जाता है, जहाँ पर रूम सिस्टम है पॉड टाइप का। यहाँ पर घंटे 2 घंटे 3 घंटे रेस्ट करने के लिए व्यवस्था भी है, जो भी आप कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक देख रहा हूँ, डिपार्चर और अराइवल दोनों एक साथ ही है। जैसे आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं तो पहले आपको मिल जाएगा अराइवल, जहाँ से लोग निकल रहे हो कन्फ्यूज मत होइएगा। अराइवल से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हार्डली 100 मीटर भी नहीं होगा, आपको डिपार्चर का गेट मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा आप लोगों से, जो भी पहली बार यात्रा कर रहा है या फिर मान लीजिए पहले बार नहीं भी कर चुके हैं, तो आप कम से कम एयरपोर्ट 3 घंटा पहले आ जाइए। क्योंकि 3 घंटा आने से पहले फ़ायदा ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले तो एंट्री करने के पहले CIC वो आपका टिकट चेक करता है, आईडी चेक करता है, उसमें कम से कम टाइम लगता है आधा पौन घंटे का भीड़ होती है। उसके बाद फिर आपका वो चेक इन होगा, बैग ड्रॉप करेंगे, उसमें टाइम लगता है। उसके बाद आपको प्रोसेस सारा समझा दूंगा, लेकिन रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कम से कम 2 से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, इस तरह जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री करेंगे, इस लाइन में लगते CIC जो है हमारा टिकट चेक करेगा और अपना आईडी चेक करेगा। तो चल के इस लाइन में हम भी लगते हैं और टिकट चेक कराते फटाफट। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो मैंने दिखाया था आपको लाइन लगी थी, कम से कम 10 मिनट मुझे लग गया CIC जगह। पूरा एक एक नाम चेक करता है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम सब चेक करने के बाद, आईडी से मैच करने के बाद फिर हमको आगे आने दिया। बाकी और भी लोग आ गए थे तो टाइम लग गया, तो इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट आ जाइए, ये सारे प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम इंदर आ चुके हैं। अब चल के जो अगला स्टेप रहेगा अपना वेब चेक इन, तो हमने ऑलरेडी कर लिया तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जाके अपना इंडिगो फ्लाइट है तो इंडिगो काउंटर ढूंढते हैं, वहाँ चल के अपना बोर्डिंग पास लेते हैं। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, 7 kg 15 kg 7 kg तक लगे जब अपने साथ एयरलाइन के अंदर ले जा सकते हैं, जैसे पिट्ठू बैग हुआ, पीठ वाला बैग हुआ, वो ले। लेकिन अगर और उसके बाद 15 kg आपका अलाउड होता है, वो डिपेंड करता है एयरलाइंस के ऊपर भी, कोई 15 kg अलाउ करता है, कोई 25 kg भी। बाकी कुछ इस तरह से देखता है अपना चेक इन काउंटर जिसे बोलते हैं, उस तरफ देख सकते हैं गोफर्स का काउंटर है, सबसे पहले देख सकते हैं स्पाइस जेट है, फिर इधर है इंडिगो का, फिर इधर है विस्तारा का देख सकते हैं आप। तो हमें जाना है बैग ड्रॉप जहाँ पे लिखा है इंडिगो है, और अपना बोर्डिंग का प्रोसेस मतलब चेक इन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, अपना बोर्डिंग पास लिया जाएगा इस काउंटर से। सर, हमारी 30F है तो साथ में देखिए सीट मिल सकती है क्या? मुझे भी आप बोर्डिंग पास देंगे ना? अभी आपकी बैग सर फुल चेक इन बैग, गेट नंबर 9 सर 9। तो दोस्तों, आपने देखा कितना स्मूथ प्रोसेस रहा, क्योंकि मेरे पास कोई ड्रॉप करने के लिए बैग वुक था नहीं, मैंने उनको अपना टिकट दिखाया, उन्होंने आईडी लिया और मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दिया देख सकते हैं। काफ़ी स्मूथ, अभी तक चेक इन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ रहा, एयरपोर्ट के अंदर आने का प्रोसेस अच्छा रहा, आगे देखते प्रोसेस कैसा रहता है। तो दोस्तों, ये जो लाइन दोबारा देख रहे हैं, अब यहाँ से हमको सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाना है। यहाँ पर हमारा जो बोर्डिंग पास है ये स्कैन किया जाएगा, अब ये स्कैन करके हम दरवाज़ा खुलेगा और अंदर जाएंगे। तो दोस्तों, बोर्डिंग पास स्कैन करते देखते होता है कि नहीं होता, हो गया स्कैन, दरवाज़ा खुल गया, बोर्डिंग पास स्कैन किया हमने। अब हम सिक्योरिटी चेक इन के लिए आ चुके हैं, यहाँ से सिक्योरिटी कराएंगे अपने लैपटॉप में, जो भी आपका पावर बैंक मोबाइल हो गया आपका, अगर आपने जैकेट जुकेट पहना उसे उतार के रखना पड़ता है, ये सब चेक करते हैं। उसके बाद अब आगे प्रोसीड करेंगे, और आपको बता दूँ यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होती, तो यहाँ से पहले मैं अपना सिक्योरिटी चेक इन करता हूँ, सारा सामान चेक करा के आपको मिलता हूँ फटाफट चलते। दोस्तों, पहले चल के हम लॉन्च में एक्सेस करते हैं, लॉन्च भी दिखाते हैं यहाँ का कैसा है। वैसे तो मैंने किया हुआ लेकिन उसका पहले बनाया नहीं है, चल के आपको जो है लॉन्च का एक्सेस भी कराते हैं। लॉन्च दोस्तों, अगर आपको लॉन्च में एक्सेस करना है ना, अहमदाबाद का लॉन्च का एक्सेस जो है सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद फर्स्ट फ्लोर में है, आपका एस्केलेटर, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ एस्केलेटर से ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाके फिर लेफ्ट लेना होता है, लेफ्ट में आपको लॉन्च मिल जाता है।
दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे आपको लॉन्च मिल जाता है। लॉन्च से पहले आपको केएफसी कूएफसी खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था देख पा रहा हूँ एयरपोर्ट के अंदर। बाकी चलते लॉन्च में देखते क्या व्यवस्था है, लॉन्च में कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, चार्जिंग पॉइंट, खाना कैसा मिलता है, सब कुछ का रिव्यू आपको दिया जाएगा द लॉन्च के नाम से। चलते अंदर की तरफ। तो दोस्तों मैंने लॉन्च का एक्सेस चेक कर लिया अहमदाबाद में आकर। बाकी यहाँ मेरा फ्लिपकार्ट वाला कार्ड चला नहीं, यहाँ मेरा जेन का कार्ड चला कोटक का, उसमें भी 2 रुपये लगे। 2 रुपये में अनलिमिटेड फूड है, जितना ड्रिंक पी सकते हो उतना पीजिए। ड्रिंक मतलब हार्ड ड्रिंक नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए आप सीढ़ी से भी जा सकते हो, एस्केलेटर से भी जा सकते हो, और बाकी मान लो कोई अगर चल फिर ना पाए, हैंडीकैप हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था भी रहती है। लिफ्ट से ऊपर नीचे भी जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फ्लाइट के एयरपोर्ट के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हैं अपने 9 नंबर गेट के सामने आ चुका है। ये गेट से एंट्री चालू होगी 8:15 बजे, बोर्डिंग स्टार्ट होगी। अभी बज रहा है करीब 8 बज रहा है, तो देख सकते हो ऊपर लिखा अभी 9 बजे की फ्लाइट है 6202 दिल्ली के लिए। इसी से हम जाएंगे वो लोग एकदम खतरनाक तरीके से दिल्ली तक। थोड़ी थोड़ी दूर में जैसे ही अंदर आते हो ना, आपको ये देखना पड़ता है कि आपका गेट नंबर कौन सा है। गेट नंबर वैसे तो आपके जो बोर्डिंग पास होता है उसमें लिखा रहता है, बाकी टीवीज़ भी होते हैं, उस टीवीज़ में भी लिखा रहता है कि आपको कौन सा फ्लाइट का चेकिंग चल रहा है, बोर्डिंग चल रहा है, सिक्योरिटी चल रही है, और गेट नंबर कौन सा है। तो चलो दोस्तों अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, बोर्डिंग करते हैं। इनको अपना बोर्डिंग पार्ट जो है बोर्डिंग पास है स्कैन करेंगे और हम जाएंगे अंदर। थैंक यू। तो हम लोग दोस्तों जाएंगे बस से, क्योंकि यहाँ पे वेरो विजुअल सिस्टम नहीं है, तो हमको बस से जाना पड़ेगा। तो बस हमें लेके जाएगी फ्लाइट तक। ये देख सकते हैं इंडिगो की बस, इससे जाएंगे हम। चलिए चलते हैं अंदर। बस से उतर चुके हैं, अपने जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ। बस आपको वहाँ पर उतारती है जहाँ से आपको फ्लाइट को बोर्ड करना होता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये खड़ी इंडिगो की फ्लाइट एयरबस A320, ये हम बोर्ड करेंगे और ये हमको उड़ा के फटाक से ले जाके दिल्ली बिल्कुल 1.5 घंटे पहुँच जाएंगे। तो उसको चलते हैं अंदर, तरह एंट्री करते फटाक। दोस्तों करंट टाइम देख सकते हैं 8:27, अब पीपल आर स्टिल बोर्डिंग, क्योंकि 9 बजे की फ्लाइट है, 9 बजे यहाँ से चलेगी। तो अभी टाइम है कम से कम आधे घंटे का टाइम बचा हुआ है, आधे घंटे हम वेट करेंगे, उसके बाद 9 बजे निकल जाएंगे। अभी शायद थोड़ी देर में जब बोर्डिंग वोडिंग कम्प्लीट हो जाएगी फिर डेमोन्स्ट्रेशन चालू होगा, उसके बाद एग्जैक्ट 9 बजते प्लेन जो है रिवर्स गियर लेगी। बाकी दोस्तों अगर मैं इंडिगो इस फ्लाइट की लेग स्पेस की बात करूँ तो मतलब ठीक ठाक लग रही है, उतनी अच्छी भी नहीं है। ठीक है, मतलब मैं 6 फुट का हूँ, मैं बैठ गया हूँ कि आगे वाली सीट अगर टच नहीं हो रही तो इट मीन्स कि आप ठीक है मतलब। और दोस्तों मैं अगर थोड़ा सा ऊपर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ इंटीरियर का काइंड ऑफ बता बोल दीजिए, ये जो देख रहे हैं आप ये ब्लोवर के लिए, इससे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आपको उसको बंद करना है तो घुमा देंगे बंद भी हो जाएगा। बाकी अगर आपको बुक पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये रात में अंधेरा हो रहा है तो इसको जला दीजिए, ये लाइट भी देखिए जल जाएगी, बंद कर दिए तो बंद हो जाएगी। बाकी ये वाला अटेंडेंट कॉलेज में करना, मान लो आपको एयर होस्टेस को बुलाना है सुंदर सुंदर, तो इसके लिए दबाना पड़ता है। फालतू में नहीं बुलाना होता है, पानी भी नहीं चाहिए, कोई इमरजेंसी तक बुलाइए, ऐसी जबरदस्ती ना बुलाइए। दोस्तों देख सकते हैं काइंड ऑफ 2 विंडो मिली हमको, अगर मैं इसको सीट को डिक्लाइन कर लेता हूँ, 1 विंडो ये उस विंडो ये, 2 विंडो मतलब मिलती रहती है हमको। एयरलाइन वाले हमको गिफ्ट ऐसे दे देते हैं, बेटा तुम एक नहीं 2 विंडो लो, कोई दिक्कत वाली इंडिगो हमें गिफ्ट देती रहती है। इससे पहले आपने मेरे ब्लॉग में देखा, गोवा वाले ब्लॉग में 3 सीट थी, मैं मेरी वाइफ और बेटी, एक्सल सीट दे दी भाई साहब 1500 की आती फ्री में। देख सकते हैं करंट टाइम इज 9:06, 6 मिनट लेट अपनी फ्लाइट ने जो है रिवर्स गियर डाल दिया। देखिए दोस्तों करंट टाइम देख सकते हैं 9:23, 9:23 अपनी फ्लाइट इज अबाउट टू फ्लाई नाउ, और ये टाइम आ चुका है अहमदाबाद को टाटा बाय बाय बोलने का।
फ्लाइट जो है इंडिगो 6E6602 में 9:15 बजे आप जो टेक ऑफ कर लिया है। करीब 1.5 घंटे की ही फ्लाइट है, 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे दिल्ली और करीब 32,000 फीट की ऊंचाई में हम लोग संभल ले रहे हैं इस टाइम। और अगर मैं करंट ऑपरेटिंग स्पीड की बात करूँ तो कम से कम 700 से 800 प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है। आपको थोड़ी देर में भी दिखाऊंगा, आप ऐसे पूरी वीडियो में देखते रहिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल। तो दोस्तों अगर मैं फ्लाइट का फेयर की बात करूँ, मुझे कितने का पड़ा अहमदाबाद से दिल्ली का, तो करीब 3100 रुपये लगा है हमको इसमें। और इसकी फ्लाइट की बुकिंग मैंने हफ्ते पहले कर दिया था, लेकिन दिक्कत ये है कि वैसे 3100 रुपये में आपको जो है एक चाय भी नहीं मिलाएंगे, बाकी विस्तारा में आपको पूरा जो है 56 भोग पर परोसा जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे मशरूम सैंडविच 500 रुपये का, बिरयानी 600 का, 450 का पोहा, भाई कितना महंगा खाना बताइए, रोल देखिए 550 रुपये का। आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल खाइए भाई, तो हम तो बिल्कुल मना करेंगे क्योंकि हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतना महंगा खाना, जो कि हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया भाई। करंट टाइम इस 10:34 और हम दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। और सामने देख सकते हैं NH8, एक रास्ता गुड़गांव जा रहा है, एक दिल्ली। Thank you for flying with Indigo. See you next time. तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यार, उतरने वाले हैं। मैडम बैग कहां मिलने वाला है? बेल्ट नंबर 10 में अपना जो लोगों ने लगेज लुगेज डाला वहां से मिलेगा। चलिए हम भी उतरते हैं, चल के आपको नीचे मिलते हैं। तो दोस्तों नाउ इट्स टाइम टू डिबोर्ड द फ्लाइट, नाउ चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ। बाय बाय। देख सकते हैं आप लोग यहाँ उतर गए इस फ्लाइट से, देख ये वाली फ्लाइट हम लोग से आए थे, ये उतर गए अब यहाँ पे। अब यहाँ से जैसे सेम अहमदाबाद में बस हमको फ्लाइट तक लेके आई थी, यहाँ पे भी जो बस वेट कर रहे हैं ऐसे बैठ के हम जाएंगे एयरपोर्ट टर्मिनल तक। तो काफ़ी लोगों की भीड़ देख सकते हैं, इसमें तो बैठ नहीं पाएंगे लोग, निकल जाए इसके बाद तीसरी बस में बैठेंगे हम। जो है बस उतर के आ चुके हैं, अब जा रहे हैं टर्मिनल की तरफ जहाँ से हम लोगों को अपना बैगेज कलेक्ट करना होगा। और हमारा बैग मिलेगा वो 10 नंबर बेल्ट से, ये कुछ ऐसा दिखता है अपना टर्मिनल 1। फाइनली जो है हम टर्मिनल 1 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहुँच चुके हैं। टाइम की बात करें तो हमारी इंडिगो वैसे भी टाइम पर रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारी जर्नी जो है अहमदाबाद से दिल्ली ओवर हो चुकी है। आप लोग बताइएगा छोटी सी जर्नी कैसी लगी, बढ़िया लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को आपको तो सब्सक्राइब करना है भूलना ही नहीं है। जितने लोग हैं आपके परिवार में सबसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे मोटिवेशन मुझे मिलती रहे, ऐसी ऐसी वीडियोस आपको आती रहे, खतरनाक कंटेंट अगर आपको चाहिए तो आपको जो है सब्सक्राइब कराना अपने चैनल को। चलिए दोस्तों तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आते पीते रहिए, इन्जॉय करते रहिए और सफ़र विद पॉल को देखते रहिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए नाइस ड्रीम। जय हिंद, जय भारत।